टू मेक आउट का मतलब टू सी, टू फिगर आउट, कि आप समझ पा रहे हो, समझने के लिए, मेक आउट मतलब समझना एक तरीके से। टू मेक आउट लैंड अबाउट अ माइल अवे, कि उनको दिख रहा था उस टाइम व्हेन ही यू नो रीच द शोर, उन्होंने सांसें ली कुछ, उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें ये पता चला कि शाम के लगभग 8 बज रहे होंगे। एंड उस टाइम इतनी लाइट थी कि वो देख सकते थे कि 1 माइल पे लैंड है। अभी तो वो किनारे पे हैं, ठीक है, किनारे पे सैंड होती है, तो उन्होंने देखा कि 1 माइल के बाद मुझे पक्का लैंड दिख रहा है। आई स्पेंड द नेक्स्ट 2 आवर्स ट्राइंग टू ड्रैग माई सेल्फ टूवर्ड्स द शोर। नाउ ही इज सेइंग कि अभी तो उनके पैर बॉटम की तरफ टच हुए थे, ठीक है, बट अभी शोर थोड़ी सी दूर था, जो लैंड थी वो थोड़ी सी दूर थी, 1 माइल अवे थी, ठीक है। सो नाउ ही इज सेइंग कि मैंने 2 घंटे तक ट्राई किया अपने आप को, ड्रैग मतलब खिसकाना, ड्रैग करना मतलब खिसकाना, ओके, ड्रैग इज टू पुल, खींचना, खिसकाना, खींचते हुए खिसकाना, ठीक है। तो नाउ ही इज टेलिंग यू कि मैंने अपने आप को 2 घंटे तक खिसकाया शोर के पास ले जाने के लिए। अभी तो वो उस पानी में ही है, ठीक है, अभी उनको लैंड मिली ही मिली है, अभी स्टिल द वाटर इज टचिंग हिज फीट्स, ओके। तो नाउ ही इज टेलिंग यू कि मैंने, क्योंकि उनके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, ही वॉज स्ट्रगलिंग सो हार्ड टू गेट ऑन टू लैंड, राइट, सो ही वॉज वेरी टायर्ड। सो ही इज टेलिंग ऑल ऑफ अस दैट ही वॉज, ही हैड टू पुल हिमसेल्फ और ड्रैग हिमसेल्फ फॉर 2 आवर्स ट्राइंग टू रीच द शोर। He dragged himself to the shore for 2 hours. We will only read this much today, and next we will do later. The remaining part we'll do later. Okay? छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और इसको सॉल्व भी यहीं पर कर दूँगी, सो दैट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज एक वर्कशीट भी है छोटी सी यहाँ पर। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। राइट एनी 5 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द स्टोरी along with the nouns they describe. I just gave you an example. Let's see. इसका क्या मतलब है? Adjective क्या होता है? जो किसी की खासियत बताता है. Noun क्या होता है? जो किसी का name होता है. Correct? Now let's see. इसमें करना क्या है? I'll just tell you. Now, let's see this word. Mouthful of air. ठीक है? उसने एयर ली, ठीक है, लेकिन उसने माउथ फुल एयर ली। नाउ माउथ एंड फुल, आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस थिंग। यहाँ पे माउथ क्या है? नाउन है। फुल क्या है? फुल अगर लगा दिया तो ये पूरा माउथ फुल जो है वो एडजेक्टिव बन गया। जो हमारा क्वेश्चन है ना, हमसे वो यही पूछ रहा है कि आपको 5 एडजेक्टिव्स निकालने हैं, 5 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द स्टोरी along with the nouns they describe. तो mouthful जो है ना वो mouth को describe कर रहा है, ठीक है। वैसे ही आपको same तरीके से adjectives निकालने हैं from the whole story. अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। जब हम पूरा पढ़ लेंगे तब हम ये ए वाला exercise करेंगे, language structure A. I am explaining this one, लेकिन हम ये बाद में करेंगे, अभी आपको ये B वाला करना है, ठीक है। सिर्फ आपको यही करना है होमवर्क के लिए एंड दी वर्कशीट, हम इतना पढ़ेंगे आज। फ्रेमिंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। द एडजेक्टिव हेल्दी इज मेड फ्रॉम द नाउन हेल्थ, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हेल्थ, इससे हेल्दी बना है, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर द वर्ड्स एंग्री एंड डेंजरस, इसी सेम तरीके से एंग्री और डेंजरस जो है ये एडजेक्टिव्स के फॉर्म हैं ऑफ एंगर एंड डेंजर। एंगर और डेंजर बन गया एंग्री और डेंजरस, ठीक है। तो हमें क्या देखा कि एंगर में हमने ANGER में से ANGE हटा दिया और हमने RY लगा दिया, ER हटा के EY लगा दिया, RY लगा दिया, ठीक है, ER को हटा दिया और RY लगा दिया, तो हमारा एडजेक्टिव बन गया नाउन से। इन द सेम मैनर डेंजर, DANGER, डी सॉरी डी ए एन
जी ई आर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लगा दिया, ओ यू एस, ये देखो ये लिखा है वर्ड, डी ए एन जी ई आर ओ यू एस, ओ यू एस लगाने से ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं। नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज हियर, लेट्स डू दिस। मैं पांच करूंगी ये वाले, आपको ये वाले पांच करने हैं फॉर होमवर्क। ऑल राइट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट दिस। मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स। हाँ, एक लाइन हमने मिस कर दिया यहाँ पे, ये वाला, वी कैन मेक एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स बाय एडिंग y, या तो हम y ऐड कर सकते हैं तो उस नाउन का एडजेक्टिव बन जाएगा, या तो हम o u s या i o u s लगा सकते हैं तो नाउन से एडजेक्टिव बन जाएगा, या फिर हम f u l लगा सकते हैं जैसे कि माउथफुल में हमने लगाया था, ठीक है। सेम वे हमको, हम इस तीन चार चीज़ों को यूज़ करके y, o u s या i o u s और फुल, इन तीनों को लगा के हम मैक्सिमम नंबर ऑफ नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं। लेट्स सी हाउ। जूस, जे यू आई सी ई। अब मैं जूस में तो ओ यू एस नहीं लगेगा ना, और जूस फुल भी नहीं होता, तो होगा जूसी, जे यू आई सी वाई। दिस ऑरेंज इज वेरी जूसी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑरेंज में बहुत सारा जूस है, और वो उसका एडजेक्टिव भी हुआ। क्या बता रहा है कि वो जो ऑरेंज है वो बहुत ज़्यादा जूस वाला है, ठीक है। दैट इज हाउ वी हैव मेड एन एडजेक्टिव फ्रॉम अ नाउन। नेक्स्ट इज हेल्प, तो हेल्प से क्या बन जाएगा, हेल्प, हेल्पी, नो नो नो, हेल्पियस, नो नो नो, हेल्पफुल, हेल्प का बनेगा हेल्प फुल, जूस का बनेगा जू सी, ठीक है। करेज, अब करेज ही बनेगा, करेज फुल बनेगा, नो 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 नो, करेजियस बनेगा, आई ओ यू एस लगेगा इसमें, बनेगा सी ओ यू आर ए जी आई ओ यू एस, ठीक है। ई हटा देंगे हम लास्ट में से, और जी के बाद आई ओ यू एस लगा देंगे, तो इससे हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। करेज हो गया नाउन, करेजियस हो गया हमारा एडजेक्टिव। प्ले, प्ले में क्या लिखेगा, प्ले में वाई ऑलरेडी है, ठीक है, प्लेयस तो नहीं होता है, तो हमारा बनेगा प्लेफुल। इंग्लिश इज़ वन लैंग्वेज चिल्ड्रन, जहाँ पे आपको सुनना पड़ता है, कि अगर आप सुनोगे ना, अगर आपको सुनते वक्त सही लग रहा है दैट मीन्स वो सही है भी, अगर सुनते वक्त सही नहीं लग रहा है तो मतलब वो सही नहीं है। नाउ लेंथ, हम कहते हैं ना लेंथी पेपर आया था, तो वही एडजेक्टिव है वो लेंदी, लेंथ जो है वो नाउन है, लेंदी जो है वो एडजेक्टिव है, तो लेंथ का बनेगा लेंदी, एल ई एन जी टी एच वाई, ठीक है। ये हो गया हमारे एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स, आधा मैंने कर दिया है चिल्ड्रन, सिर्फ पांच आपको करने हैं फॉर होमवर्क, वेरी शॉर्ट होमवर्क आई हैव गिवन यू, ठीक है, और एक ये वर्कशीट है, ये आपको करनी ही करनी है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल वर्कशीट, आई एम श्योर इसके बारे में आपके घर में बहुत सारे डिस्कशन हुआ होगा, तो लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट अबाउट द स्ट्रगल्स यू हैड टू डू ड्यूरिंग COVID-19, ओके। यू कैन नरेट एनी इंसिडेंट हैपन्ड टू यू और योर क्लोज वंस। इसमें आपको अपनी स्ट्रगल्स के बारे में लिखना है जो आपने कोविड